हर किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा तो किसान नहीं बने। सेकंड जनरेशन फार्मर्स शहर में जाके पियोन की नौकरी करने को रेडी हो जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे मैं किसान ही नहीं कर सकता क्योंकि पैसा कम है। और अपनी भाषा में, अपने आम जनता की भाषा में, समझने की भाषा में बात करें तो इसमें ग्लैमर नहीं है। मैं आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो चाहता हूँ, किसान नहीं बनना चाहता। सो इनफैक्ट हम चाहते भी वही थे कि अगर जब हमारे बच्चे पढ़े हैं तो उनसे जब पूछा जाए स्कूल में कि भाई क्या करते हैं तुम्हारे पापा, तो बताएं कि हाँ प्राउडली बता सके हम फार्मर हैं, किसान हैं। तब हमारे पास पहले साल में 20 एकड़ जमीन थी, आज हम अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एकड़ पे हैं। पहले साल का हमारा रेवेन्यू था लगभग 1,00,000 रुपये के लगभग का, जो आज की रेट में इस फिस्कल ईयर का पर्टिकुलर रेवेन्यू है 70 करोड़ रुपये, और इन टोटलिटी देखा जाए तो जैसा आपने देखा है कि 130 करोड़ रुपये हो चुका है। और खेती अपने आप में एक बहुत मुनाफे का बिजनेस है, लोग इसको परसीव नहीं कर पाते, नंबर्स के फॉर्मेट में हमेशा प्रॉफिटेबल है। मतलब क्या था, जब हमने नए नए खेत लिए थे हम लोगों को रखते थे तो हमारी एज से ऊपर के लोग हमारे साथ काम करने थे, बोले अरे तुम कल के लड़के हो, तुम्हें क्या पता लौकी ऐसे उगाई जाती है, मैं बचपन से उगा रहा हूँ। तो गीता में बोलते हैं ना कि भाई जो आपके हाथ में ही नहीं उसको सोच के कर क्या लोगे। तो मैं बहुत ईजी कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई परेशानी आई है, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ तो मैं वो एक्शन ले लेता हूँ, नहीं बदल सकता तो छोड़ दो, कुछ भी तो नहीं कर पाओगे आप। कितना ही सोच लो, सोच के तो स्ट्रेस ही आना है, दिमाग की सरदर्दी होना है। इससे बेटर यह है कि आप खुश रहो, बढ़िया से काम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। किसान तक पर एक खास सीरीज हम आपको दिखाते हैं, दिल से किसान। इस सीरीज में हम बात करते हैं उन सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बारे में जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं। और इस सीरीज़ में आज मैं पहुंची हूं गुड़गांव के एक फार्म में। कहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, लेकिन जिस फार्म में मैं खड़ी हूं उस फार्म के जो फाउंडर हैं उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि पैसे पेड़ पर भी उगते हैं। सिर्फ 3 साल पुरानी ये कंपनी है, लेकिन इसका रेवेन्यू लगभग अभी तक 130 करोड़ पहुँच चुका है, और ईयर एंड होते होते ये रेवेन्यू आगे जाने वाला है। और खेती करके करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों में इनका प्रॉफिट है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी 1200 करोड़ से ऊपर का है। यानी खेती करके भी करोड़पति बना जा सकता है, ये ऋतुराज शर्मा ने प्रूव कर दिया है। और इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर ऋतुराज हमारे साथ हैं, और यूट्यूब पे आपने इनको कई बार देखा होगा, इनकी स्टाइल बहुत फेमस है, इनकी खेती बहुत प्रॉफिट कमा रही है। तो वेलकम टू किसान तक ऋतुराज। थैंक यू वेरी मच। किसान शब्द जब हम बोलते हैं तो लगता है कि प्रॉफिट नहीं है, किसानों की इतनी समस्याएं हैं और पैसा नहीं है फार्मिंग में, लेकिन आपने फार्मिंग ही की और करोड़पति बन गए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ज़ेटा फार्म ऐसा कर क्या रहा है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। बहुत बेसिक शब्दों में बोलें तो ज़ेटा फार्म भी कर खेती ही रहा है। अच्छा। जब आप किसान शब्द या इमेज की आप बात करते हैं तो हमेशा एक बात ही नहीं, पगड़ी पहना हुआ बूढ़ा सा एक आदमी होगा, ठीक है, गरीब लाचार सा। हम उस इमेज को ही बदलना चाहते हैं ज़ेटा फार्म्स के थ्रू। अच्छा। ज़ेटा फार्म्स में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, कर खेती रहे हैं लेकिन एक बहुत बिजनेस अप्रोच लेके चल रहे हैं। हमने ऐसा नहीं बनाया, मतलब हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं ये दिखा के कि नहीं हमें आता है, तो हम इसके अंदर पूरी इकोनॉमिक्स भी लगाएंगे, हम यहाँ पे बायोलॉजी भी लगाएंगे, फिजिक्स भी लगाएंगे, मैथमेटिक्स भी लगाएंगे, जिससे कि एक पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हो सके। जो एक नॉर्मल किसान सिर्फ ये सोचता है कि सब भार मेरे कंधों पे है, मुझे तो बीज डालना है, पानी डालना है, मेहनत करनी है और फिर पता नहीं क्या होगा जी, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। ये भी एक तरीके का बिजनेस है और हम इसको बिजनेस लेना के ही चलना चाहते हैं, इसी वजह से हम ये ग्रो कर पा रहे हैं। हमने उसको नज़रिया बिजनेस का दिया, इसलिए हम बिजनेस बनाए। तो आपने खेती को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है, आप काइंड ऑफ एक कॉर्पोरेट फार्मिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, और जो हमारा एग्रीकल्चर है, आपकी लाइन भी है कि एग्रीकल्चर को पूरे देश का कल्चर बनाना है जी। तो बड़ा वाइड ये सेक्टर है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज इतना नहीं है, जिसकी वजह से जो खेती में प्रॉफिट होना चाहिए उतना किसानों को नहीं होता, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। तो आपने प्रॉफिट कमाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को एड्रेस किया, कैसे उनको दूर किया, मतलब जो फार्मिंग के चैलेंजेस हैं वो क्या आपको आए और उनको आपने दूर कैसे किया जिससे आप प्रॉफिटेबल फार्मर बन पाए। करेक्ट। सो आपने जैसा बताया बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं खेती के अंदर जो आपको नुकसान दे सकते हैं। हम आपके फार्म पे बिल्कुल आइए ना, आपको फार्म दिखाते हैं। वैसे ये लौकी लग रही है, लेकिन अपन इसी से भी आगे शुरुआत कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज के साथ साथ इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है नॉन ट्रांसपेरेंसी का, बहुत ही ओपेक, पता नहीं है। शहर में जो जनता रह रही है उनके लिए बस एक किसान है जो फसल उगाता है, फिर उनको एक न्यूज़ मिलती है
के बिचौलिए जो होते हैं किसानों का सारा मुनाफा लूट लेते हैं या उन तक नहीं पहुंचने देते हैं, मिडिल मैन का सारा वो होता है, जबकि ऐसा नहीं है. दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम आप हटा नहीं सकते. दिस लाइक अ सिस्टम जो है ये आज से मेरे ख्याल से मतलब 100-200 साल से चल रहा होगा ये सिस्टम तो, क्योंकि मैंने देखा है जो आदत लोग हैं उनकी तो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ इसी काम में थी. लाइक तो ये बदल नहीं सकता है, ये चीज़ ऐसे ही चलेगी. अब इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, थर्ड थिंग वॉज एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता. प्लस साथ ही साथ किसान जब जैसे जैसे उसकी पीढ़ी बढ़ती गई उसका लैंड है ना और फ्रेगमेंट होता गया. जैसे ही अपने बच्चों के पास ज़मीन पहुंची वो बढ़ गई, फिर और बढ़ गई. तो जब लैंड फ्रेगमेंट होती जाती है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एक लैंड से सीमित इनकम ही कर सकते हो. और जब आप ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करते हो तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, ज़्यादातर किसान गेहूं चावल ही तो उगा रहे हैं जी. तो कितनी कमाई करनी है, लाख रुपए की भी अगर कर लें तो लाख रुपए में आज की डेट में किसका घर चलता है, राइट. तो हमने जो कॉन्सेप्ट अपनाया, अब अगर हम एक एक फैक्टर्स को लेते जाएं तो सबसे पहले फ्रेगमेंट्स को हटाने की बात करें तो हमने बोला कि हमारे पास तो कोई पुश्तैनी ज़मीन थी, हमें खरीद सकते नहीं थे, तो हमने किराए पे लेना शुरू किया. तो फ्रेगमेंट्स को हटाने का तरीका क्या था, किराए पे ज़मीनें उठाओ जिससे कि बड़ी लैंड, बड़ी लैंड्स को उठाया तो फ्रेगमेंट्स हट गए. फ्रेगमेंट्स हटने से एक बेनिफिट क्या मिला, जिसको अपन बिजनेस की भाषा में जो अपन एमबीए करते हैं ये सब करते हैं उसके अंदर एक शब्द यूज़ होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. बड़ा एरिया होगा तो आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर या चीज़ें लगाएंगे तो आपका खर्चा पर एकड़ पर कम होने लग जाएगा. दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी वाला प्रॉब्लम कि आपको पता ही नहीं है. किसान सोचता है कि दिल्ली की मंडी में क्या भाव चल रहा होगा और वो है ना राजस्थान के किसी गांव में है ना शिमला मिर्च उगा रहा होगा, अब वहाँ से उसको कैसे आइडिया लगे. हो सकता है फ़ोन करके पूछ लेगा लेकिन उसकी पुख्ता रिपोर्ट क्या है, क्या सच्चाई है. अंटे अनलेस किसान अपने ही घर से किसी आदमी को ना भेजे तब तक वो प्रूफ नहीं कर सकता उस चीज़ को. तो ही नीड्स टू बी डिपेंडेंट ऑन अ लोकल आड़तिया जो कि दिल्ली से भी कनेक्ट कर रहा होगा. कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके अंदर हम लेके आए, हमारे लेवल पे हमने अपनी ट्रांसपेरेंसी खुद से बना ली. हमने बोला ये सारी टीम ही हमारी है, राइट. हमने ही उगाया, हमने ही हमारा पर्सन दिल्ली मंडी में भेजा या वहाँ वाले फार्म से भेजा, हमने ही हमारा लॉजिस्टिक्स चेन बिठाई, हमने ही हमारे फार्म मैनेजर को साथ में भेजा या सेल्स मैनेजर को साथ में भेजा. तो मेरे पास पूरी ट्रांसपेरेंसी है, मुझे पता है कहाँ पे क्या बिक रहा है. साथ ही साथ हमने बिजनेस मार्केट भी पकड़े, जैसे आलू उगा रहे हैं तो मैकेन को आलू भेजना, अब उसमें उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी. सामने सामने एग्रीमेंट हुआ है, जो जो चीज़ में बोला है उसी चीज़ में बिकेगा. फिर फर्स्ट पॉइंट आता है, अब आते हैं सबसे बड़ी जो रूट कॉज जो सब लोगों को दिख रहा है, इट इज़ अनऑर्गेनाइज है. अनऑर्गेनाइज हम नहीं मानते हैं, हर किसान अपने आप में एक फ्रीलांसर, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, मोस्ट स्किल्ड पर्सन है. आज मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होने के बावजूद मैं सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से खेती नहीं करवा सकता, कोई नहीं करेगा, लेकिन किसान से करवा सकता हूँ. लेकिन अब प्रॉब्लम्स देखा जाए अनऑर्गेनाइज के होने की वजह से, हर किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा तो किसान नहीं बने. बिल्कुल. सेकंड जनरेशन फार्मर्स शहर में जाके पियोन की नौकरी करने को रेडी हो जाएंगे लेकिन वो बोलेंगे मैं किसान ही नहीं कर सकता क्योंकि पैसा कम है. बिल्कुल, वही रीज़न है. और अपने अपनी भाषा में, अपने आम जनता की भाषा में, समझने की भाषा में बात करें तो इसमें ग्लैमर नहीं है. मैं आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो चाहता हूँ, किसान नहीं बनना चाहता. जबकि अगर देखा जाए सस्टेनेबिलिटी कम है, नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं है. आप पढ़े हैं लिखे हैं तो उसके बाद फिर उसके बाद हाँ चाहते हैं जिसमें पैसा हो, जिसमें सुविधाएं हो, तो खेती किसानी में वो नहीं दिख रही. वो नजरिया ही ऐसा दे दिया ना, अरे इतना पढ़ लिख के खेती कर रहा है जी. वो ये जो इस तरीके से जल्कि इसी चीज को आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के बोलो इतना पढ़ लिख के खेती कर रहे हो, क्या बढ़िया काम कर रहे हो, तो वो है चीज़ तो होना वो चाहिए था. सो इनफैक्ट हम चाहते भी वही थे कि अगर जब हमारे बच्चे पढ़े हैं तो उनसे जब पूछा जाए स्कूल में कि भाई क्या करते हैं तुम्हारे पापा, तो बताया कि हाँ प्राउडली बता सके हम फार्मर हैं, किसान हैं, करते हैं. तो इस अनऑर्गेनाइज सिस्टम को बदलने के लिए ये जो फ्रीलांसर्स की लेयर थी, किसानों की जो लेयर थी, इसके ऊपर हमने एक कॉरपोरेट लेयर बनाई, मैनेजमेंट लेयर बनाया. जैसे कि एक अच्छे बड़े बिजनेस सेटअप के अंदर होता है कि फील्ड टीम होती है, सेल्स टीम होती है, एनालिटिक्स टीम होती है, आईटी टीम होती है, फाइनेंस टीम होती है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है, ये सब हमारे पास है. हमारी ऑपरेशंस टीम फार्मर्स की बन गई. हमने ऑपरेशन टीम में फार्मर्स को रखा क्योंकि उन्हें वही आता था, मैं किसी किसान से एनालिटिक्स तो नहीं करवा रहा. और अच्छी बात, ये एक विन विन सिचुएशन कैसे बनी, जैसा मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से खेती नहीं करा सकता था वैसे मैं एक फार्मर से एनालिटिक्स नहीं करा सकता था. तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को मैंने एनालिटिक्स का ही काम दिया और किसान को मैंने किसानी का ही काम दिया. उसके लिए दूसरी विन विन सिचुएशन, जो उसको काम आता था वो उसको मिल गया, दूसरा मंथली इनकम सॉर्टेड हो गई. दूसरे बेनिफिट्स जो कि एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में लोगों को मिलते थे, जिस वजह से किसान का बेटा शहर में जाके नौकरी करना चाहता था, वो बेनिफिट भी हमने यहाँ पे कैसे दिए, इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, ये कर दिया, पीएफ कटने लग गया, ग्रेचुटी भी बनेगी, सब चीज़ बनेगी. साथ ही साथ ओवरऑल इंसेंटिवाइजेशन पे भी हो गया, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट वाली टीम का नहीं होता, आप इतना कर दोगे तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इंसेंटिवाइजेशन भी हो गया. अभी हम कैसे करते हैं, उसको तो दिख रहा है कि फिक्स मंथली मिल रहा है, साथ ही साथ अच्छी क्रॉप उगाएगी तो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. ये तो बात हो गई
आपके तरीके की, लेकिन कितना एक्सपेंशन आपने किया है ज़ैटा फार्म का। मैं पढ़ रही थी 15 से ज़्यादा स्टेट्स में आप जा चुके हैं और एग्रीकल्चर में सबसे बड़े फार्म होल्डर आप बनना चाहते हैं, सबसे बड़े जो कहते हैं ना जिनके पास ज़मीन है, तो क्या है कंपनी का पूरा प्रोफाइल? तो मैं इसको फिर से आपको बिजनेस के नज़रिए से ही बताते हैं। जैसा आप भी हमने बात ही करी कि खेती को बिजनेस बनाना है तो बिजनेस वाले ना मैट्रिक्स भी लेने ही पड़ेंगे। अब बिजनेस के कुछ मैट्रिक्स अगर मैं आपको बताऊं, तो जब हमने शुरुआत करी थी आज से 3 साल पहले, मतलब ऑन पेपर, वैसे मैं खेती 7 साल से कर रहा हूं, लेकिन ऑन पेपर जब कंपनी रजिस्टर हुई तब 3 साल हो चुके हैं उस बात को, तो तब हमारे पास पहले साल में 20 एकड़ ज़मीन थी, आज हम अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एकड़ पे हैं। पहले साल का हमारा रेवेन्यू था लगभग 1 लाख रुपये के लगभग का, जो आज की रेट में इस फिस्कल ईयर का पर्टिकुलर रेवेन्यू है 70 करोड़ रुपए, और इन टोटलिटी देखा जाए तो जैसा आपने देखा है कि 130 करोड़ रुपए हो चुका है। पहले साल का प्रॉफिट था, मतलब नेगेटिव था, लॉस था, क्योंकि पहले साल का, क्योंकि कोई भी कंपनी फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं बना पाती, कोई भी बिजनेस नहीं बना था, जो इस साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हमारा 30 करोड़ के ऊपर का बनता दिख रहा है हमने। और उसके बाद बात करें, हम 2 फाउंडर से शुरुआत करे थे, आज की रेट में हम 2900 के लगभग एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें सारे कृषिवीर और सब लोग हम शामिल हैं। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमने क्रॉप्स की शुरुआत करी थी, हमारे पास 4 क्रॉप्स थी उस 20 एकड़ फार्म के अंदर, उसमें भी आमला लग रहा था और ऐसे ही थोड़ी बहुत सब्जियाँ करी थी, जो आज की रेट में हम 60 से ऊपर क्रॉप्स कर रहे हैं, 60+ क्रॉप्स, जिसमें चाय, कॉफ़ी, सोयाबीन है ना, दालें, एरोमेटिक ग्रासेस, सब लग रहा है, सब टाइप की क्रॉप्स हैं, कि हम टोटल अभी 20,000 एकड़ पर काम कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है जनवरी तक, या इस फिस्कल ईयर की बात कर लेते हैं क्योंकि अब 6 महीने के लगभग ही बचा है, तो इस फिस्कल ईयर के अंत तक हम लगभग 80,000 एकड़ के ऊपर काम कर रहे थे, या फिर मेरे ख्याल से पेपर और एग्जीक्यूशन वर्क तो साइन हो चुका होगा, अंडर कल्टीवेशन तो धीरे धीरे टाइम लगता है, फेजेज आते ही हैं। इतनी ज़मीन है किसी के पास आज की डेट में इंडिपेंडेंट, किसी प्राइवेट पार्टी के पास? नहीं, इतनी बड़ी ज़मीन सिंगल होल्डर नहीं आती है, ये हमने तो फ्रेगमेंट्स ही उठाए हैं, लेकिन हाँ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस नॉर्थ ईस्ट की साइड में मिला है। और अगर हम ऐसा देखें तो फ्रेगमेंट लेते लेते किसी से 100 एकड़ ली, किसी से 20 एकड़ लिया, तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया होता है, हम मिनिमम 50 एकड़ लेते हैं एक इंडिविजुअल से, और अगर किसी एंटिटी से ले रहे हैं, जैसे कि किसी FPO के साथ जुड़ के लेना है या फिर किसी स्टार्टअप के साथ जुड़ के लेना है, तो हम क्या करते हैं मिनिमम 100 एकड़ लेते हैं, ये इस तरीके से सिस्टम बनाना है। तो आपके पास 80,000 एकड़ ज़मीन क्या क्या उगा रहे हैं 80,000 एकड़ ज़मीन में पूरा? आप तो नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, चारों तरफ फैल चुके हैं, केरल, कर्नाटका, नागालैंड, यूपी, MP, सारे ऑलमोस्ट हो रहे हैं, 15+ स्टेट्स हैं। तो क्या क्या उगा रहे हैं आप? सब चीज़ें, असम में चाय भी है, नागालैंड के अंदर हम नई प्लांटेशन कर रहे हैं, पपाया भी करेंगे, बनाना भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में फार्म्स हैं, बनाना है वहाँ पे, MP में राइस है, मिर्चियाँ भी कर रहे हैं, सोयाबीन है राजस्थान के अंदर, बाजरा है, जीरा है, मतलब ऐसे 60 से ऊपर नाम है सब। देखें तो चाय, कॉफ़ी, सभी चीज़ें, एरोमेटिक ग्रासेस हैं, जेरेनियम है, सब चीज़ें। मतलब हमने ये चीज़ क्यों बनाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये था, आप इसको ऐसे लीजिए, बिजनेस में जैसा एक चीज़ हम जो थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे उसका एलिबरेटली अगर हम समझें, तो एक किसान को है ना 2 चीज़ों की मार हमेशा झेलनी पड़ती है, जो है मौसम और है मार्केट की प्राइस। ये 2 चीज़ें मैं आज तक सबको कहता आया हूँ कि कोई कंट्रोल नहीं कर सका, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सका। जैसा कि एक मैन्युफैक्चरर, लाइक अगर आज हम एक मोबाइल लेके आते हैं तो उस मोबाइल का एक कॉस्ट होता है, उसकी कॉस्ट बनती है, उसके ऊपर एक प्रीमियम जोड़ा जाता है, फिर वो मार्केट में MRP के साथ बिकता है। खेती के प्रोड्यूस में ये चीज़ कभी नहीं, किसी भी प्रोड्यूस में नहीं, अंटिल अनलेस की प्रोसेसिंग कर दी जाए तभी होती है, उससे पहले कभी नहीं। तो टमाटर 2 रुपये का भी देखा होगा आपने और 200 रुपये का भी देखा है, ठीक है, ये कभी हो नहीं पाया। तो इस मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, ये वेदर का फ्लक्चुएशन, ये कोई नहीं रोक सका, तो हमने किया डाइवर्सिफिकेशन। ये 60 से ज़्यादा क्रॉप्स हम जो बोलते हैं, ये इसका रीज़न यही था। इसके ऊपर अगर आप आगे अलग अलग लोकेशन देख रहे हो, इसका भी रीज़न यही था। तो इसको आप ऐसे ले लो, पूरे भारत की खेती एक दिन में कभी फेल नहीं होगी। अगर केरल में बाढ़ भी आ गई है तो कहीं आप प्रॉफिट है, राइट? तो केरल में बाढ़ भी आई तो असम से चाय ज़रूर आती रहेगी, ठीक है, कॉफ़ी भी आएगी आएगी, चाहे सोयाबीन ख़राब हो जाए राजस्थान के अंदर। म्यूचुअल फंड ऑफ एग्री प्रोजेक्ट बोल लीजिए आप इसको, ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाए तो, और उसमें कहीं ना कहीं कमाई निकलने के आती ही है। और खेती अपने आप में एक बहुत मुनाफे का बिजनेस है, लोग इसको परसीव नहीं कर पाते, नंबर्स के फॉर्मेट में हमेशा प्रॉफिटेबल रही। तो ऋतुराज, आप तो एक बड़े लैंड होल्डर हैं, लीज पे ही सही, लेकिन आपके पास तो 80,000 एकड़ ज़मीन है, तो
उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपने बताया आप एक पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं से कुछ प्रॉफिट आ रहा है कहीं लॉस में भी जा रहा है, ये तो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फार्मिंग स्टाइल की बात हो गई, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। लेकिन भारत में तो छोटे किसान बहुत हैं, एक एकड़ दो एकड़ ज़मीन वाले किसान हैं, और उनको मेनली दिक्कत आती है कि वो खेती से इतना नहीं कमा पाते जितना जीवन चलाने के लिए चाहिए। तो ये टिप मैं आपसे लेना चाहूँगी कि छोटे किसान जो हैं उनके पास एक दो एकड़ वाली ज़मीन जो है वो कैसे खेती करके भी थोड़ा डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। सो अगर हम ट्रेडिशनल किसानी फॉर्मेट में देखें और जिन जो छोटे लैंड ओनर्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो दो तरीके से है ना अपने पूरे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पहला तो है जो सरकार भी बोलती है और ज़्यादातर KVKs एंड CEX जो हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब जो किसानों को राय भी देते हैं कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉस पर शिफ्ट करो, आप गेहूँ चावल ही उगाते हो ये सब चीज़ करते हो, शिफ्ट इट ओवर टू वेजिटेबल्स, जिससे कि एक पर एकड़ का जो इनकम है वो इंक्रीज हो। बट उसमें भी एक चैलेंज है, देखो हर चीज़ में पैसा कमाना है तो एक चैलेंज भी आएगा। वेजिटेबल में चैलेंज क्या होता है, यू नीड टू हैव द राइट सेटअप, जैसे अब यहाँ पे ट्रेसलिंग सपोर्ट लगा रखा है हमने, ड्रिप्स लगा रखी है, तो ये सब का खर्चा बढ़ रहा है। गेहूँ और चावल में इन चीज़ों का खर्चा नहीं था, बहुत बेसिक खर्चा था, आपने लगाया 10-20 हज़ार रुपये, 3-4 महीने के अंदर वो रिकवर होके आ गया सिंगल हार्वेस्ट के अंदर। इसमें मल्टीपल हार्वेस्ट चलेगी, रोज़ आपको तुड़ाई करनी है, सब चीज़ करनी है, कीटनाशक ज़्यादा डालेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेगा। तो एक तो ये तरीका है हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट करना, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमने अपनाया एग्रीगेशन, अब ये आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल जिसको सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी मान सकते हो, जो अच्छी पहल है, FPOs क्रिएट हुए। FPOs में सारे फार्मर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बट मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि FPOs तो बन जाते हैं लेकिन सारे फार्मर्स एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक अंदर ही अंदर एक ऐसा चीज़ रहती है कि किसी किसान के प्रोजेक्ट के अंदर अगर अच्छा मुनाफा आ गया और किसी के लॉस हो गया तो ही वुड नॉट शेयर हिज प्रॉफिट विद द पर्सन हु इज गेटिंग लॉसेज। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये माइंडसेट है और नया कॉन्सेप्ट भी है ना, उसको भी ग्रास्प करने में टाइम लगता है। तो अभी FPO बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है तो उसको सक्सेसफुल होने में टाइम लगेगा, हालांकि FPO पसंद किया जा रहा है। तो आपने एक मॉडल तो बताया कि किसानों को हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या फिर आप एग्रीगेशन करके बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी इसके लिए, फिर आप चाहे गेहूं भी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बल्क प्रोडक्शन आएगा, लॉजिस्टिक्स ईजी होगा, सप्लाई चेन ईजी होगी, तो खर्चा कम होगा, आप ट्रैक्टर वगैरह सब मशीनरी वगैरह खर्चा करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कम होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द वे, ये दो तरीके, तीसरा तरीका फिर जेटा फार्म से जुड़ी सकते हैं। ओके ओके, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, इतने फार्मर्स से आप इंटरेक्ट करते हैं, जाते हैं उनके बीच, ओवरऑल आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, बहुत सारे हैं पर आपने जो अब तक फील किया है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है आपकी नज़र में? सो मैंने किसानों के साथ एक चीज़ देखी, इतने लोगों से बात करी तो मुझे इस पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप क्या नज़र आया कि अगर आप अपर लेवल पे बात करो, ICAR लेवल पे बात करो, तो टॉप नॉच रिसर्च हो रखी है, अच्छी क्वालिटी के बीज पता है, सरकार को भी पता है, अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पता है, अच्छी खाद पता है, लेकिन किसानों के लेवल पे जाने के तक पहुँचते पहुँचते एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। एजुकेशन, एक किसान बोलता है मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था मैं तो यही फॉलो करूंगा, मैंने मेरे खुद के देसी बीज अपना रखे हैं मैं तो उन्हीं को लगाऊंगा, मैं मना बुराई नहीं मान रहा हूं इसके अंदर, लेकिन एक जो होता है ना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं प्रोसेस, वो तो चेंज होना चाहिए था समय के अनुसार, क्योंकि मिट्टी बदल रही है आपकी, है ना, पानी का तरीका, पानी का वो क्वालिटी बदल रही है आपकी, सब चीज़ें बदलती जा रही है, बदल रहा है सब चीज़। तो अब आप देखो आज हम किधर, नवंबर खत्म होने को आया, सर्दी नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल बदल गया है, टेम्परेचर वगैरह की प्रोफाइल बदल रही है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ बदलना जरूरी था, वो बदलाव नहीं आ रहा, ऊपर रिसर्च अच्छी है, नीचे वो बदलाव आ ही नहीं पा रहा, अभी भी वही चल रहे हैं कि भाई साहब ना बुआई तो जून में ही होनी चाहिए थी, भाई बारिश देख के होती है, वेदर को देख के होती है, ये एग्रीकल्चर में रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह सब लोग बता बता के थक गए। तो ये बहुत बड़ा गैप है, ये गैप हमें भी फेस होता है जी। अब कम होता है, शुरुआत में बहुत होता था, मतलब क्या था, जब हमने नए नए खेत लिए थे हम लोगों को रखते थे तो हमारी एज से ऊपर के लोग हमारे साथ काम करने थे, बोले अरे तुम कल के लड़के हो तुम्हें क्या पता लौकी ऐसे उगाई जाती है, मैं बचपन से उगा रहा हूँ, वही हाँ। तो उस चीज़ को बदलाव लाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, तो ये एक बड़ी परेशानी, सीरियस गैप है, लैक ऑफ एजुकेशन प्लस टाइमली परकोलेशन ऑफ द नॉलेज जो ऊपर हाँ। रिसर्च साइंटिस्ट ने कर रहे हैं, इतना बड़ा 2000 से ज़्यादा लोगों की टीम हैंडल करते हैं, होता है लाइफ में कई बार स्ट्रेस है, क्या और अलग हॉबीज़ हैं, क्या आपका स्ट्रेस बस्टर है, कैसे? मैं ना पहले मैं बहुत स्ट्रेस लेता था, इनफैक्ट देखा जाए ना तो स्ट्रेस लेवल आज भी वैसा ही है, लेकिन मे बी आई हैव बिकम यूज्ड टू इट, है ना। अच्छा, हम मैंने ना मेरे जीवन में एक ना वो चीज़
समझ ली कि जब इतना बड़ा स्केल हुआ ना, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं कभी भी ये विजन लेके नहीं चला था। विजन क्या होता है स्टार्टअप की टाइम में या बिजनेस के टाइमलाइन के अंदर ना, बदलता रहता है, बदलता है, इवॉल्व होता है, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब विजन ऐसा है कि हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो जब मैंने ये सोचा ही नहीं था, तो मैंने वो गीता में बोलते हैं ना कि भाई जो आपके हाथ में ही नहीं उसको सोच के कर क्या लोगे। तो मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट रखता हूँ कि क्या मेरे पास कोई परेशानी आई है, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ तो मैं वो एक्शन ले लेता हूँ, नहीं बदल सकता तो छोड़ दो, कुछ भी तो नहीं कर पाओगे आप, कितना ही सोच लो, सोच के तो स्ट्रेस ही आना है, दिमाग की सरदर्दी होना है। इससे बेटर ये है कि आप खुश रहो, बढ़िया से काम करो, क्योंकि हम वैसे ही एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। आप नहीं जानते मौसम कब बदल जाएगा, आप नहीं जानते मार्केट प्राइसेस कब क्या बदल जाएगी, आप नहीं जानते किस दिन आपके पास उस दिन वर्क फोर्स आएगी या नहीं आएगी। देर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ पैरामीटर। तो जब आप एक ऐसी सिनेरियो के साथ ना गुजर रहे हो या सिस्टम में ढल रहे हो, तो वहाँ पे आप कितना ही सोच लो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत फनी एग्जांपल जैसे आपको बताऊँ, लोग हमसे पूछते थे शुरू शुरू में, जैसे है ना ऑफ सीजन बारिश आ गई, मेरे खेत पे तो फसल खराब हो गई, आपके हो जाएगा तो क्या करोगे? तो मैं पहले बहुत सोचता था, पहले मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता था, नहीं नहीं हमारे तो ये नहीं हो सकता, हम ऐसा कर लेते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, करते हैं। अब हमने आसान आंसर है मेरा, अब मेरा बदल चुका है आंसर, मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, बारिश आएगी बारिश ही करेगी, मैं क्या करूँगा इसके अंदर, बारिश को मैं रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बारिश जो खराब करेगी जिस एरिया में आई है, जहाँ पे जो मेरा खेत है उसी चीज़ को खराब करेगी, तो मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ? और प्लस विद द स्केल इन एग्रीकल्चर, मैं मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देख रहा हूँ, मैं मेरे खुद अपने पर्सनल स्टेबिलिटी भी देखता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अपने आप में स्टेबल होता जाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट, एक साथ तो कभी भी एक जगह खराब नहीं होगा, तो मैं उसी वजह से मैं अपने आप के अंदर भी एक स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, चीज़ें इस स्केल पर पहुँच गई है। तो मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप संभाली हुई है, और विजन को है ना बॉस मान के चलती है, मुझे बॉस नहीं मानते हैं लोग, मेरे से तो दोस्त मानते हैं, बोलते हैं हमारा बॉस तो विजन है, जैसा सोच रहे ना वो अचीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो सब चीज़ अपने आप अलाइन होती जा रही है। तो मैं मेरी लाइफ में भी स्टेबल होता जा रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ भी मैं स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता जा रहा है। तो किताबों में पढ़ते थे ना बिजनेस के शुरू के 5 साल सबसे ज़्यादा है ना स्ट्रेसफुल होते हैं, ये होते हैं, मेरे लकीली 3 साल ही रहे, जल्दी आपका वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आ गया। कभी कोई 3 साल में या पिछले स्टार्टअप्स में लो फेज आया लाइफ में, कभी ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा छोड़ना है करके, और कैसे कोप अप किया फिर उससे? बहुत बार आया, लेकिन है ना वो उसको बोलते हैं ना ग्रिट नहीं छोड़ी, छोड़ ही नहीं सकते थे, ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वैसे ही मेरे परिवार में तो मेरे मॉम डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वैसे ही उनका तो रहता था कि इतना पढ़ाया लिखा है नौकरी करना चाहिए था, तेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए थी, या कोई अच्छी कंपनी में नौकरी करनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं करता, खेती करने बैठ गया है ना, या अपना बिजनेस करने बैठ गया। तो बस ऑलवेज अ थिंग के प्रूव तो करना ही है, अब तो कुछ भी हो जाए करना है। तो लो फेज़ की बात करें, मल्टीपल फेजेज आए, लेकिन हर फेज़ के बाद लगा कि चलो यही है रॉक बॉटम, इसके बाद तो ऊपर ही जाना है, लेकिन फिर उसके बाद उससे भी नीचे वाला आ गया। सबसे बड़ी मार पड़ी थी कोविड से जस्ट पहले, लेकिन ठीक है वो एक ऐसा फेज था जिस समय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी सारी चीज़ें, क्योंकि सोलर वाले बिजनेस को मैंने शिफ्ट किया था, ये सब मतलब उससे मैं शिफ्ट होकर इसमें एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में आया था, लेकिन लकीली इसी एग्रीकल्चर ने है ना सब चीज़ सुधार दी कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर सबको ऐसा हुआ फ्रेश खाना है, ये हो जाना चाहिए था हमें। मैं सही बताऊं उस समय मेरे है ना क्रॉप्स अच्छी नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन मार्केट प्राइस इतनी इंक्रीज हो चुकी थी कि अपने आप ही बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है ये चल रहा है सेटअप सही बैठ गया मेरा, एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स नहीं किया था, नहीं किया था राइट, तो उस वजह से हम बच गए। तो बस उसी चीज़ से वो बोलते हैं ना कहावतें सुनने हम उनको ना अपनाते रहते हैं, वो बोलते हैं ना गिर जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन चाहे रेंग रेंग के चलो लेकिन बढ़ना जरूरी है, बढ़ना ही है, वो बात अलग है, अब हम थोड़े विंग्स लेके उड़ रहे हैं, लेकिन अभी मतलब दौड़ नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, सही में हम तो रॉकेट फ्लाइट है हमारी, तो विंग्स लेके कहाँ कहाँ उड़ने का रहता है पता नहीं, टीम तो बोलती है कि चांद पे पानी मिले तो वहाँ भी करेंगे। ओके ओके, तो मार्स पे जाने का प्लान है, चलिए मार्स पे नहीं लेकिन पहुंच जाएंगे, इंडिया से बाहर अब्रॉड में कहीं कुछ प्लान है, कोई कोलैबोरेशन का, कुछ फार्मिंग एक्सपेंशन का? अभी इनफैक्ट अभी हम आप यहाँ पे आए थे तो आपने नोटिस किया होगा, लैंड ओनर्स भी आए थे, तो उनके साथ दो लोग आए थे, दे वर लाइक अ बिग हेज फंड मैनेजर्स फ्रॉम लंदन, राइट, सो दे मैनेज बिलियंस ऑफ मनी, तो उनका प्लान है अफ्रीकन एग्रीकल्चर के अंदर यूरोपियन फंड्स को डालने का, सो दे वर लुकिंग फॉर अ ऑपरेशनल पार्टनर, तो जेटा फंड्स वो बनना चाहता है ऐसे लेवल पे ऑपरेशनल, तो हम अफ्रीकन एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, और हम बेल्जियम वाली साइड में भी यूरोपियन एग्रीकल्चर में भी कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो इन दो जगहों पर अभी मैं एक्सपेंशन कर, थोड़ा सा एशियन कंट्रीज में भी जाएगा, म्यांमार और इंडोनेशिया की साइड में भी। अच्छा,
हमें ये लगा कि अब पता है ये वो कंट्रीज और इनकी बाउंड्रीज वगैरह अब हमारे लिए मैटर नहीं करती, ठीक है, गेहूं सबके लिए गेहूं ही है, लौकी सबके लिए लौकी है, ठीक है, इसको खेती समझते हैं, एग्रीकल्चर एज वन नेशन, G20 का थाई वन नेशन वन कंट्री, सब चीज वैसी बनानी है। ग्रेट, चाय तो इंडियंस का मतलब ऐसा है कि चाय पीते पीते बात ना हो तो चाय अधूरी है। बिल्कुल। तो चाय पे एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि इतने सारे फार्म्स पे आप जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, किसानों से, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां भी होते होंगे किसानों के, बताइए। हमारे फार्म्स के मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ फनी भी होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं कि भाई ऐसा भी कैसे कर दिया, ये तो बहुत ही गलत हो गया। जैसे हमने एक बार है ना ये बिहारी साइड के ना लेबर रखी थी हमारे राजस्थान वाले फार्म के ऊपर, तो वहाँ पे कुआ हुआ करता था, सूखा कुआ, ठीक है, उसमें बहुत सारे कबूतर थे, वो किस्सा मैंने सुना है हमने, नहीं आप बताइए उसको फिर से। तो है ना, थोड़े दिन बाद हमने देखा कि इसके अंदर सारे कबूतर गायब होते जा रहे हैं, तो हमने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो बोले हम खा गए। मैंने कहा ये कैसी बात है, कबूतर खा गए सारे के सारे यहाँ से। हमने उनको बोला कि हमारे फार्म पे क्या स्वीट कॉर्न लग रहा था, तो छोटे सियार आते थे, तो उनको भी खा गए। मैंने कहा ये तो बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, ये सही नहीं चलेगा ऐसा, है ना। ऐसा ही इसी टाइप का किस्सा था, ये मल्चिंग शीट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वहाँ पे हमारे मल्चिंग शीट के अंदर स्ट्रॉबेरीज लग रही थी, सर्दी के टाइम के बाद स्ट्रॉबेरीज हटती है, तो मल्चिंग शीट हटाई तो वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे थे, उन गड्ढों के अंदर सांप के अंडे थे, वो उसको भी निकाल लिया हाथ डाल के। मैंने कहा भाई भाई मेरे ऊपर रिस्क आ रहा है, हमारे लिए वही तो डर था, सांप होता तो दिक्कत हो जाती हम लोगों के लिए। इस टाइप के फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं कई बार। और आई डोंट नो, वैसे तो फनी था लेकिन सीरियस इंसिडेंट है, हमारे बाड़मेर वाले फार्म पे एक बार ये लोग खाना बना रहे थे रसोई में, तो खाना वाना पूरा बनने के बाद गैस बंद करी और नीचे सिलेंडर बंद करने के लिए जैसे ही यूँ नॉक नीचे झुका आदमी, तो सिलेंडर के ऊपर लपेटा हुआ सांप बैठा हुआ था, और वो एकदम से उतर के आया और ये सब भागते हुए बाहर आए। पता नहीं किस्मत से बाहर से किसी ने वीडियो लिया, तो हमने वो वीडियो देखा। मैंने कहा भाई तुम्हें ये मजाक लग रही है, उस समय तो हंस के बाहर आ गए क्योंकि बच लिया, सही बताऊं तो कौन सा सांप था, बहुत पॉइजनस, पता नहीं ब्लैक तो था, इतना तो देखा नहीं मतलब निकल गया, लेकिन ऐसी चीजें हमने देखी। कभी कोई थ्रेट व्रेट भी कभी बिजनेस में होते हैं कई तरह की, कुछ होती है, होती हैं, आई डोंट नो उसको प्रमोशन बोले क्या बोले, लेकिन सी ये सब क्या है, अलग अलग जगहों का ट्राइब्स का कल्चर होता है, सब चीज़ होती हैं। लाइक रिसेंटली हम नागालैंड की साइड में भी गए थे, वहाँ पे हमने अभी एक लैंड वगैरह ले रहे हैं, रबर का प्लांटेशन वाला, तो वो अलग है, मतलब वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट चले, देयर इज लाइक अ लैंड एरिया जहाँ पे उन लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन होने वाला है, जहाँ से हमें एक बड़ा लैंड एरिया मिलेगा जिसके ऊपर हम चाय भी करेंगे और अलग अलग प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो वहाँ पे उनके टाइम में उनके ज़माने में एक कल्चर चलता था, तो उन्होंने बहुत फनी सी थ्रेट दी हमें। वो कल्चर क्या था कि वो ट्राइब्स आपस में फाइट करते थे जो भी फैसला करना होता था, जब तो फैसला करने के लिए फैसला कैसे होता था कि जो जीतेगा ना वो दूसरे वाले की गर्दन काट लेगा। तो है ना, अब तो ठीक है चलो पेपर वर्क आ गए, हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आ चुके हैं, तो उन्होंने बहुत फनी नहीं बोला कि तो हमारे यहाँ पे ना ये आर्बिट्रेशन वाला सिस्टम नहीं चलता। मैंने कहा तो क्या चलता है, मतलब हमारे यहाँ तो लड़ाई करते हैं, तुम तुम्हारी साइड से एक आदमी भेज देना, हम हमारी साइड से भेज देंगे जो सच्चा। तो मैंने कहा सर ये थ्रेट दे रहे हो क्या, बताना चाह रहे हो, बोले नहीं नहीं ये तुम्हारा कल्चर है। अब तो नहीं है ना, बोले अब नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब मजाकिया बात थी लेकिन बहुत फनी तरीके से उन्होंने हमें बता दिया कि देखो कुछ भी ऊपर नीचे करना हो, हम तुम्हारे को बहुत विश्वास करके ये जमीन दे रहे हैं। समझ गए, वो पहले अब तो कम हो गया है वो, पर बहुत सारे ऐसे आदिवासियों के रिचुअल्स कल्चर और बहुत सारी उनकी ऐसी प्रथाएं थी जो आज हमें सोचने में भी डर लगता है कि ऐसा सब भी होता था। ट्राइब्स की फाइट तो बहुत फेमस रही है हमेशा, देखा ना वो हमारे लिए बहुत फनी हुआ था, बिकॉज वो ऐसे ना टैटू बनवाते हैं, जितनी गर्दन कटती है ना उतने टैटू उनके चेहरे पे रहते हैं, तो हमने उन्होंने पुराने एक आदमी का टैटू था। मैंने कहा भाई ये अभी तक जिंदा है आदमी, तो हमको बड़े डरावने तरीके से देख रहा है। कितने टैटू? नहीं ऐसे तो गिनने बहुत सारे थे। ओके, और इसीलिए सिर्फ 33 साल के हैं अभी ऋतुराज, इनका तीसरा स्टार्टअप है, और पहले दो स्टार्टअप भी अच्छे रहे थे, जॉब भी हुआ, सब कुछ हुआ, और सिर्फ 33 साल में 1200 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी कर दी है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जी, आपका काम के लिए एंथुजियाज़म, सबसे बड़ी चीज़ कि खेती किसानी से जो प्यार है, सारा कुछ आपको मतलब सही रास्ते पे ले जा रहा है। रास्ते में भी जब मैं आ रही थी तो एक जगह आपका इंडिकेटर लगा हुआ था जेटा फार्म, आप सही जा रहे हैं। Correct. तो ये सब क्रिएटिव आइडियाज़ आपके ही हैं? ये हमारी मार्केटिंग टीम के हैं। ओके ओके, ये जेटा फार्म
कैसे दिमाग में आया, बड़ा डिफरेंट नेम है। जेटा का मतलब ऐसा है, मतलब इसके पीछे की बैक स्टोरी बताएं, हम नाम कैसे चुने थे। हम हमारे फार्म्स का नाम रखना चाहते थे फैक्ट्रीज से रिलेटेड, फार्म फूड फैक्ट्री टाइप से कुछ बताना चाहते थे कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएस और वहाँ पे ऐसा देखा जाता है ना, हजार हजार एकड़ में खेती हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में 10,000 एकड़ पे हो रही है, तो हम वैसा फैक्ट्री वाला दिखाना चाहते थे। लेकिन इसके ऊपर डोमेन वोमेन नहीं मिले और बहुत कॉमन सा नेम हो रहा था। सो टू शो स्केल, स्केल को दिखाने के लिए वो मेजरेबल यूनिट्स होती है, जैसे माइक्रो होती है 10^-6 होती है, किलो होती है 10^3 होती है, मेगा होती है 10^6। तो ऐसे जेटा जो थी उस समय सबसे बड़ी यूनिट हमने पता करी क्या हो सकती है, तो जेटा इज द बिगेस्ट यूनिट 10^24। तो वो हमने ढूंढी, हमने बोला हमारे फार्म्स को हम जेटा फार्म करेंगे, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, दिस इज सो लार्ज स्केल। और इसी से हमारा विजन भी अलाइन हो गया, हम तो चाहते ही हैं कि हमारे फार्म दुनिया के सबसे बड़े फार्म्स हों, सबसे ज़्यादा पैदावार करें, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। इन शॉर्ट चाहते तो हम सच्ची में पूरी दुनिया की खेती के सबसे बड़े किसान हम बनना चाहते हैं, ये विजन लेके चल रहे हैं, इतना एग्रेसिव विजन लेके चल रहे हैं, तब जाके एक छोटे सा चीज़ अचीव करिए जिसको लोग अभी बड़ा मान रहे हैं, 50,000 एकड़ को भी बड़ा मानते हैं। 50,000 एकड़ हाँ बड़ा है, लेकिन तो टारगेट क्या है, कितने एकड़ तक पहुँचना चाहते हैं? टारगेट हम छोटा टारगेट तो नहीं लेते वैसे, फिर भी, लेकिन फिर भी हम चाहते तो हैं कैसे भी करके इंडिया के अगर 5% एग्रीकल्चर भी अगर हम करने लग जाएँ तो हमारा वो विजन है। इंडिया में 55 करोड़ एकड़ ज़मीन है, 55 करोड़ एकड़ इज़ यूज, उसका 10% हिस्सा भी 5.5 करोड़ होता है। अभी तो हम 50,000 पे ही हैं। कितने साल में ये इरादा करने का प्लान है? वो तो हमारी टीम तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम तो जगरनॉट जैसी है, उसको वो तो हम बांध के रखे हुए हैं, छोड़ देंगे तो पता नहीं कितने दिनों में कर देंगे, हम तो बोले रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं होती चीज़ें। हाँ फिर भी एक लॉन्गर विजन हमने 5 साल तो मानिए कि 5 करोड़ तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन 5-10 लाख एकड़ तक तो पहुँच जाएंगे, ये तो करेंगे। 2030 से पहले हम जेटा फार्म को लीज पे ही सही, लेकिन सबसे बड़े लैंड होल्डर के रूप में देख पाएंगे। चलिए, किसान तक की साइड से भी आपको उसके लिए बेस्ट विशेस हैं। अभी ग्रो कर रहे हैं, किसान तक का परिवार भी ग्रो कर रहा है, अभी हमारे भी सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल जब हम मिले थे तो जेटा फार्म भी दोनों का साथ आगे बढ़ रहा है और दोनों ग्रो कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहिए? मैं इसमें यही चीज जोड़ना चाह रहा था कि जो किसान तक का जो एक बेस आपने बनाया है जिससे कि आप किसानों को जोड़ना चाह रहे हैं, सब चीज़ करना चाह रहे हैं, उसी के अंदर जो ये जेटा फार्म्स का जो हम आपके साथ मिलके तो किस लेवल पे पहुंच सकते हैं, या फिर जो आपके जो व्यूअर्स हैं या आपके जो जो बेसिकली जो आपके चैनल पे आते हैं या किसान तक के ऊपर जो न्यूज़ या फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो राइट गैप है उनको पता ही नहीं है कि उनकी असली में प्रॉब्लम्स क्या हैं। उनको बस यही दिख रहा होता है मार्केट में मेरे को है ना सही भाव नहीं मिल रहे, ये असली प्रॉब्लम नहीं है। उनको सही प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कराना आपके चैनल के थ्रू ये बहुत अच्छा मीडियम बन पाता है हम लोगों के लिए। लोगों को लग रहा है टमाटर के भाव गिर गए, अब वो किसान की प्रॉब्लम थोड़ी है, उसको वो कुछ कर ही नहीं सकता। वही वाली बात जो हम डिस्कस करते हैं, बारिश आ गई फार्म पे तो किसान कर क्या लेगा, कुछ नहीं कर सकता, ना सरकार कुछ कर सकती है उसके अंदर। तो उसके जो मेजर्स हैं, उसके जो सही सॉल्यूशंस हैं, वो हमारे जैसे स्टार्टअप या हमारे जैसे बिजनेस आपके चैनल के थ्रू हम पहुँचा सकते हैं कि आपका पास जो नेटवर्क बेस है वो हमारे जैसे स्टार्टअप, नॉट ओनली जेटा फार्म, मैं दूसरे स्टार्टअप की भी बात करूँगा कि उनकी जो योजनाएँ हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके से आपके नेटवर्क बेस तक पहुँचती है और उनको अगर बेनिफिट मिलता है या लाभ मिलता है तो उससे अच्छी चीज़ हो ही सकती है। और मेरे ख्याल से आप लोग वैसे भी उसके बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। धन्यवाद किसान तक के लिए, और किसान तक की टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। आपने इतना टाइम निकाला, इतना अच्छे से पूरा फार्म घुमाया, और इट वॉज लवली आफ्टरनून, इवन लवली इवनिंग। और मैं बस यही कहूँगी कि जितना आपका एम है 5 लाख एकड़ ज़मीन आपके पास 2030 से पहले हो, तो हम चाहेंगे आप एग्रीकल्चर सेक्टर के मतलब पायनियर बन के उभरें। बेस्ट विशेज़ हैं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।